ओम शांति। 25 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी हैं, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है मुरली का, नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर में बाबा ने कहा, नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास शादी करेंगे, लेकिन वे कोई बैकुंठपुरी वा श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौदा पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो। गीत है आज नहीं तो कल। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल, किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है? तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़िए जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब घर चलो, चलो अब घर। तो यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो, श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको पांच विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं, जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड, निराकारी शिव परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं, माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई, यह है कर्म क्षेत्र, शरीर लिया है तो कर्म क्षेत्र होंगे, कर्म क्षेत्र पर, तो कर्म क्षेत्र स्टेज जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। ये व्यक्त तन को पहन करके अव्यक्त आत्मा क्या करती है, पाठ बजाती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना है, आदि से अंत तक का पाठ बजाना है ना, तो सबसे जास्ती तो ब्रह्मा और सरस्वती के जन्म है, फिर उससे कमती हैं सभी के, है ना। तो बाबा कहते हैं, फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना, किस किस जन्म में किस कुल में किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सके, ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। हर एक आत्मा के जितने जन्म उतने पिता उतने नाम उतने रूप, है ना। तो बाबा कहते हैं, सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं, तुम भूले बिसरे हो, अब मैं तुम्हें सारा सब कुछ याद दिलाता हूँ ना, तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ये भूल भुलैया का खेल है। जब हम अपने घर और खुद को भूले तो दुखी हुए, और जब अपने घर और अपने खुद को याद किया, परमात्मा को याद किया, परमात्मा ने आकर के यह सब याद दिलाया, तो बस फिर सुख की तरफ चल पड़े। तो मैं बतलाता हूँ, बाबा कहते बाप समझते हैं, ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है, ये भी ड्रामा की नोट है। अभी यह संगम युग है,
दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, रेंगड़ियां चल रहा है। बाबा कहते रेंगड़ियां नहीं चल रहा है, अभी बिल्कुल अंतिम समय है। तो इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है। यहाँ चैतन्य ड्रामा है, यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, यह है भक्ति मार्ग की सामग्री, मैं तो अपने उस अपने समय पर आता हूँ। जब रात से दिन बनाना है, अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करना। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं, झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है, सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए, मनुष्य हैं सब देह अभिमानी। जब आत्मा कहते हैं बाबा कि जब आत्म अभिमानी, अभी हम क्या हैं, मनुष्य क्या है, देह के अभिमान में है। इस झूठे देह के नाम मान शान, इस देह की सुख सुविधाओं में लिप्त हैं और इसी उसमें जीते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। तो बाबा कहते हैं कि ये तन के जो भी साधन हैं वो सब छूटने वाले हैं, और जो देह के संबंध हैं उनसे जुड़ेंगे तभी हमें सुख शांति मिलेगी। तो देही होकर के जुड़ना होगा, जो हमारा आत्मा के सुख शांति पवित्रता ज्ञान आनंद, जो बाबा ने हमें 5वां फोल्डर खोला सद्गुण बताए हैं। अवगुण को छोड़ो, सद्गुणों को धारण करो। बाबा कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है, शांत तुम्हारा निज स्वरूप है। तो तुम स्वस्वरूप में टिकना है, तुम्हारा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे संस्कार है ना, जो तुम सुख को ढूंढ रहे हो ना, वो तो तुम्हारा ही अपना संस्कार है। जो तुम प्रेम को ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारा अपना खुद का संस्कार है ना। तो बाबा कहते हैं कि जिस शांति को तुम जन्म जन्म ढूंढते आए हो वो शांति तो तुम्हारा ही धर्म है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जो हम लिप्त हैं इस शरीर देह भान में, नाम शान मान में, हम चाहते हैं कि हमारा कोई नाम बाला करे, हमारा कोई अच्छा मान रखे, कोई हमें इस शरीर के नाम को ही अच्छा बोले। तो बाबा कहते हैं ये सब नहीं, तुम्हारी आत्मा के जो संस्कार हैं उन्हें धारण करो तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, है ना। तो इस तरह से बाबा देह और देही में अंतर समझाते हैं कि देही कौन है और देह का अभिमान क्या है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि अभी जब तुमको क्या बनना है, अभी सब मनुष्य देह अभिमान में है, जब आत्मा अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। क्योंकि जब तक आप देह को याद करेंगे तो देह के संबंध याद आएंगे, और देही बन करके याद करेंगे तब परमात्मा से लगन लगेगी, है ना। परमात्मा जैसा है वैसा ही तो बनना पड़ेगा, तब तो उसे याद कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, कहते भी सब हैं कि हम जीव आत्मा हैं, यह भी कहते हैं हम आत्मा अविनाशी हैं। यह विनाशी शरीर है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है, यह बाप समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है, फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा भी यह है संगम योगी ब्राह्मणों का धर्म, वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं यह कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है, विस्तार से धारणा करने में नंबर वार है। नटशेल में तो समझते हैं बाबा रचता, और यह उनकी रचना है ना। ब्रह्मा कौन है, रचना, और रचता कौन है, शिव बाबा। अच्छा यह तो समझते हो ना, बाप है, बाप को सब भक्त याद करते हैं। अब भक्त भी तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं हो और भगवान मैं हूँ, तो बाप भगवान हुआ है ना निराकार, और भक्त हुए आत्माएं, तो याद करती हैं भगवान को, भक्त भी हैं बच्चे भी हैं, है ना।
भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं? ओ गॉड फादर, ओ भगवान, ए ईश्वर, ऐसे कौन कहता है? तो यह भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं आए थे मुसाफरी करने और जाने का नाम नहीं लेते, अपने आप को भगवान समझ बैठे। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ये लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। आत्मा पुण्य आत्मा रहती तो पूज्य, और जब पाप आत्मा बनती तो पुजारी। तो हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे। भगवान का भी पूज्य से पुजारी नहीं बनता, वो एवर प्योर है। जो अनप्योर होती हैं आत्माएं बार बार जन्म मरण में आती हैं, वो प्योर और अनप्योर होती हैं, पुण्य और पाप आत्मा बनती हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान को आप ही पुजारी, आप ही पूज्य नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था। कल्प कल्प देता हूँ, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम योग पर। मेरा नाम ही है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो यह झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट हैं तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट प्रजापिता बुद्ध। तो यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता कहेंगे, वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, सबकी कयामत का समय है, सबकी अंतिम समय है। तो यह भी आकर समझेंगे, पिछाड़ी में सलाम करेंगे, आएंगे जरूर। बाबा कहते हर एक धर्म का, हर एक व्यक्ति का एक ही झंडे के नीचे सबको आना है ना। जगह तो एक ही है ना जाने का। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। उनको भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ, बाप को याद करो। जितना ज्ञान बाबा कहते हैं तुम धारण में लाओगे सुन करके समझ करके, जितना याद करेंगे ज्ञान की धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प पहले भी जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आ कर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फखुर रहना चाहिए, हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, कितनी सहज बात है। परंतु चलते चलते छोटी थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है, इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। हाँ, सबको तो नहीं छोड़कर आ जाओ। बाबा कहते मेरे पास तो इतनी जगह भी नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है बाबा कहते हैं, और मैं रख भी नहीं सकता ना। तो बाबा कहते सबको घर बार छुड़ा दूं तो यहाँ सब बैठ जाएं। व्यवहार में भी पास करना है ना। जिसको जो ड्रामा मिला है तो फिर कर्म योगी बने हो तो सब फिर कर्म नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अब जहाँ जिसका जो ड्रामा है, जैसे जैसे जिसने जो किया तो उसको तो वैसे ही अपने कर्मों अनुसार आना है। तो व्यवहार में भी पास करना है, हाँ, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं तो कोई बिगड़ पड़ते हैं। कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है, डायरेक्शन मिला,
उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है, माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं शादी करें, बुद्धि चक्र खाती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से बाबा कहते हैं, कोई तो फिर क्या करते हैं, बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे, है ना। कई कई युगल भाई बहने शादी करते ही बाबा से कहते हैं कि हम गारंटी करते हैं हम दोनों युगल कमल पुष्प समान रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। तो वह है, बाबा कहते हैं एक गारंटी जो देते हैं वो बच्चे तो अच्छे हैं, लेकिन फिर वह आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। तो आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं उन्होंने। फिर गरुण पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं डराने के लिए, लेकिन किसी ने पाप करने से डरा कोई नहीं, करते गए। तो जिससे जास्ती पाप ना करें ना, ऋषि मुनि आदि डराने के लिए तो कहते थे ऐसा होगा वैसा होगा, परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही हैं। यह सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, नहीं समझते तो वो समझा नहीं पाते। तो कहते हैं यह ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई दो तीन भी निकले तो भी अच्छा है, प्रजा तो बहुत बनती रहती है, बरसा पानी लाए कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के एक दो बच्चे होंगे उनको राजकुल का कहेंगे, प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते हैं। 16108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं, प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। तो यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, मनमना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। शांति धाम जहाँ की आत्माएं रहने वाली हैं, हमारा पिता रहने वाला है, सुख धाम सतयुग और दुख धाम रावण युग। तो बाबा कहते हैं जहाँ विकर्म है वहां दुख है, जहाँ कर्म अकर्म है वहां सुख है, और जहाँ आत्माएं रहती हैं निराकारी दुनिया में वो शांति धाम है। तो यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण में पहुंच जाएंगे, श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, नहीं करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। यह तो बाबा कहते हैं नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहां जाने लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए, नौधा भक्ति नहीं, नौधा पढ़ाई चाहिए। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए फिर अलग अलग है। बाबा कहते सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। कई बांधेली माताएं हैं, कई ऐसे हैं जो उसी समय ऑफिस आदि में रहते हैं, कई लोग बिजनेस वाले हैं। तो बाबा ने देखो बताया ना, सबके लिए जिसको बहुत 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 बड़ा कारण है तो वो नहीं जाए तो गलत बात है। वो बहुत बड़ा कारण है ऐसा बाबा कहते हैं कि मुश्किल है ना, जैसे बांधेली माताएं हैं, कई कई ब्रह्मा बाप को देख करके बहुत सोचते हैं फ्रॉडी है, भाई बहन फलाना ढिकाना दुनिया की बातें करते, और वो माताएं जाना तो चाहती। अब देखो सेंटर आप चले भी जाओगे और घर में आप ऐसे लड़ाई बिड़ाई करके चले भी गए, लेकिन फिर आपका मन तो घर की तरफ ही लगा रहेगा, है ना, कि हम घर वापस लौटेंगे तो हमारे घर में फिर कलह होगी, फिर लड़ाई होगी, फिर अनबन होगी, फिर बातें सुननी पड़ेंगी। तो इस तरह से फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे में इससे अच्छा है कि घर में ले जाओ कहीं भी, मुरली कैसे ना कैसे घर में पढ़ाई कर लो, है ना। बिजनेस वाले हैं, उसी समय मुरली सेंटर्स पे चलती हैं, उसी समय उनका धंधा चलता है, तो ऐसे भी फिर आप चलते फिरते कर्म में रहते। सुनो, कई कई माताओं बहनों को नींद आती है, उबासी आती है मुरली सुनते, तो कर्म में रह के आजकल हेडफोन चल गए हैं, कितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ये ब्लूटूथ चल गए हैं,
तो आप दूर है, कितना भी डिस्टेंस में फोन रख दीजिए और आप मुरली कर्म में रहते सुन लीजिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो बाबा ने देखो सबके लिए बोला है कि सबका अलग अलग है। बाबा कहते सेंटर जाओ हर एक के लिए, लेकिन अलग अलग है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। अब 7 करोड़ आत्माएं हैं, बाबा कोई एक के लिए थोड़ी लिखते, सबके लिए लिखते। तो ऐसे नहीं बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ, बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बायोस्कोप में भले जाओ, परंतु यह सबके लिए नहीं है, कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। अच्छा मीठे मीठे सी टीला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सॉरी, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा बाप की हर बात में कल्याण है, यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है। बाबा कहते हैं श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, ये आत्मा ब्रकुटि के बीच विराजमान होकर इस शरीर को कर्मेंद्रियां चला रही हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम सुन रहे, कह रहे, गा रहे, खा रहे, कर्म कर रहे, आत्मा करावनहार है, करणहार कर ये कर्मेंद्रियां हैं और मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती है, हवा बुझा नहीं सकती, 5 तत्व उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये शरीर 5 तत्व से बना है, इसीलिए 5 तत्व में ही मिल जाता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जानी है, लेकिन जो मिट्टी नहीं है वो उड़ जानी है, फरिश्ता बन उड़ जानी है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से उसको अंदर में ले जाओ, उसका अनुभव करो और फिर अशरीरी होने का अभ्यास करो। आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है, तभी तो फिर परमात्मा से जुड़ पाएंगे। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है, जिससे फिर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष घृणा नहीं आएगी, है ना। अच्छा, वरदान है सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्रछाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप यही सेफ्टी के लकीर है, यह लकीर ही परमात्मा छत्रछाया है। जो इस छत्रछाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाए रहेंगे, यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।